एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन 10th क्लासरूम। तो गाइस, आज है सैटरडे और सैटरडे को आप लोगों का होता है वीकली वन लाइनर टेस्ट, ठीक है। और ये है आज टेस्ट नंबर 6, क्लियर है। टाइम आप सभी को पता है 8:30 बजे रात में आपका सैटरडे को ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए, आज का टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीक के कुछ टॉपर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो पिछले वीक निशा निराला, राजकुमार, विकास और जयप्रकाश, इन सबको आया है 48 मार्क्स, ठीक है। और पहले पोजीशन पे हैं श्वेता कुमारी, नीतीश कुमार, रवीश कुमार और विजय प्रकाश, इन सभी को 47 मार्क्स आया है। और सेकंड पोजीशन पे हैं शत्रुघ्न, इनको 46 मार्क्स आया है। और ये हैं थर्ड पोजीशन पे बंटी कुमार, इनको 45 मार्क्स आए हैं। और ये हैं फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। ये सभी हैं जो लास्ट वीक के टॉपर्स हैं। आप सभी भी अपना स्कोर जरूर अपडेट किया करो, जो नॉर्मल कमेंट सेक्शन है वहां पर, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके आप लोगों का तैयारी कैसा है। और जिनको भी 45 से नीचे आया है उनको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस मैदान में खेला गया था? पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस मैदान में खेला गया था? किस मैदान में ये खेला गया था? लॉर्ड्स मैदान में, जो लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में, ठीक है। और कब ये मैच खेला गया था? 1975 में। अगला क्वेश्चन है, ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ठीक है, ग्राउंड बीनीथ हर फीट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ये है सलमान। कौन है? सलमान रुश्दी, ठीक है, सलमान रुश्दी, ये हैं द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक। अगला क्वेश्चन है, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1998 में। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड का स्थापना 1998 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सार्क के पहले अध्यक्ष कौन थे? सार्क के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे सार के पहले अध्यक्ष? तो ये थे एच एम इरशाद। क्या नाम था उनका? एच एम इरशाद। अगला क्वेश्चन है, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? कितना होता है? ये होता है 19.3, ठीक है, ये होता है सोना का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये एमपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण किस देश में हुआ था? अगर औद्योगिकीकरण का बात हम लोग एशिया में करेंगे तो सर्वप्रथम ये कहाँ हुआ था? ये जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में जो भी आपका करेंसी नोट है इसका चलन कब से शुरू हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1862 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर था? प्रयाग ज्योतिषपुर किस राज्य का प्राचीन नाम था? किसका प्राचीन नाम था प्रयाग ज्योतिषपुर? तो ये असम का प्राचीन नाम था, ठीक है। असम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? वो है कामरूप, ठीक है। और यहां आपसे पूछा गया था प्रयाग ज्योतिषपुर। अगला क्वेश्चन है, बारहमासा किसकी रचना है? बारहमासा किसकी रचना है? बारहमासा किसकी रचना है? किसकी रचना है? जल्दी बताओ, बारहमासा किसकी रचना है? तो बारहमासा है मलिक मोहम्मद जैसी का। किसका है? मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी का रचना है बारहमासा। अगला क्वेश्चन है, हाथों और उंगलियों से संकेत द्वारा समझाने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाथों और उंगलियों के संकेत से जो हम लोग किसी चीज को कन्वे करते हैं, ठीक है, दूसरों को समझाते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है जो पूरा वीक आप पढ़ते हो वन लाइनर के फॉर्म में, उसी का आज आपका टेस्ट होता है। तो क्या है, इसको क्या कहा जाता है? इसको डिक्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टियोलॉजी, ठीक है। क्या है डिक्टियोलॉजी? तो हाथों और उंगलियों के संकेत द्वारा समझाने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीपशिखा पद के रचनाकार कौन है? दीपशिखा पद के रचनाकार कौन है? कौन है इसके रचनाकार? तो
तो इसके रचनाकार हैं कौन? महादेवी वर्मा। क्या है नाम इनका? महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है चाइना। कौन सा देश है? चाइना। अगला क्वेश्चन है, टिग्रिस नदी कहां बहती है? जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। टिग्रिस नदी कहां बहती है? टिग्रिस नदी इराक में बहती है। कहां बहती है? इराक में। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया बगदाद किस नदी के किनारे है, तो बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने किया था, आपको बताना है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, कहां से हुई थी, किस राज्य, या उस वक्त ये एक क्षेत्र हुआ करता था और अभी राज्य, और वो राज्य है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1982 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियम तत्व का परमाणु संख्या कितना है? इंडियम तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इंडियम तत्व का परमाणु संख्या होता है 49। अगला क्वेश्चन है, द लॉस वेगास किड के नाम से कौन जाने जाते हैं? द लॉस वेगास किड के नाम से कौन जाने जाते हैं? द लॉस वेगास किड के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? आंद्रे अगासी। क्या नाम है इनका? आंद्रे अगासी। ठीक है, आंद्रे अगासी को द लॉस वेगास किड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेबेस्टियन वेटल किस देश के खिलाड़ी हैं या किस देश से संबंधित हैं? सेबेस्टियन वेटल ये एक रेसर हैं, आपको बताना है ये किस देश से रिलेटेड हैं, ये किस देश से रिलेटेड है? ये जर्मनी से रिलेटेड है। कहां से? जर्मनी से संबंधित हैं सेबेस्टियन वेटल। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा ये थियरी दिया गया था। कौन सा थियरी? बिग बैंग थियरी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एम ए चिदंबरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? एम ए चिदंबरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? एम ए चिदंबरम स्टेडियम तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कढ़ाई कला गोटा किस राज्य से संबंधित है? गोटा एक कढ़ाई का कला है, गोटा। ठीक है, आप सबने ये सुना जरूर होगा, आपको बताना है किस राज्य से ये टर्म संबंधित है, या ये जो कला है कढ़ाई की वह किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है। कहां से? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है? भाग पूछा जा रहा है आपको, संविधान का कौन सा भाग है, भाग है जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करता है, या संबंध से रिलेटेड आर्टिकल्स है। यह आपका भाग 11। कौन सा है? 11वां भाग है जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? कौन सा है? यह है आपका आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। ठीक है, आप सभी जल्दी से कमेंट में बताओ ये आलमगीरपुर अभी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, या किस राज्य का क्षेत्र है, जल्दी से बताओ। और यह है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, तो ये आलमगीरपुर अभी है यूपी में। कहाँ है? यूपी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको भेजा था? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कपूर को भेजा था। किसको भेजा था? मलिक काफूर को। ठीक है, मलिक काफूर। ये मलिक काफूर कौन था? ये एक हिजड़ा था, ठीक है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने खरीद के लाया था, और फिर ये धीरे धीरे जो मलिक काफूर है इसको बहुत ज़्यादा पावर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और उसका एक विश्वासी भी बना ये। ठीक है,
मलिक कपूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हजार दिनार में ही अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की 1907 की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस की 1907 की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ किस देश की वायु सेवा है? गरुड़ किस देश की वायु सेवा है? जल्दी से बताओ, किस देश की वायु सेवा है? तो ये है इंडोनेशिया की। कहाँ की? इंडोनेशिया की वायु सेवा है गरुड़। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चलिए बताओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये स्थित है कानपुर में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन हुए? कौन हुए? ये हुए अटल जी। कौन हुए? अटल जी। ठीक है, अटल जी पहली बार जब इलेक्ट हुए थे तो वह मात्र 13 दिनों के लिए, 13 डेज के लिए ये इलेक्ट हुए थे। और ये कब हुए थे? 1996। वो अलग बात है, दोबारा फिर से इलेक्शन हुआ और फिर से ये जीत कर आए और फिर पूरा सिस्टम रहे थे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में रहने वाले प्रधानमंत्री अटल जी थे। अटल जी से तो एक बात और है जो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम गैर कांग्रेसी, पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए, ये हुए अटल जी। ठीक है, और गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई, ये आप सभी जान रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि, इंग्लिश खान या अंग्रेजी खान या अंग्रेज खान, ये उपाधि किसको दिया गया था? जहांगीर के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, किसने दिया था, किसको दिया गया था? ये हॉकिंस को दिया गया था, विलियम हॉकिंस को ये उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? भारत के राज्यसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? कौन थे? ये थे कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, क्या नाम था इनका? कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, कौन हुए ये कमलापति त्रिपाठी? तो ये राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता हुए। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी होती है? अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी होती है? अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख की होती है। कितनी होती है? 5 लाख की। और अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? 1961 से ये शुरू हुआ है। इसमें 5 लाख का राशि दिया जाता है जो भी विनर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? उनको दूध से ये मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? चलिए बताओ, कहाँ स्थित है? ये अवाड़ी में स्थित है, अवाड़ी तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ स्थित है? अवाड़ी या अवाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की संघ की राजभाषा कब से है? हिंदी भारत की संघ की राजभाषा या कार्यकारी भाषा कब से है? संघ की राजभाषा, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, या आपसे कार्यकारी भाषा पूछा जा सकता है, ये 1949 से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सॉरी भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन हुए? कौन हुए? ये हुए सीके नायडू। कौन हुए? सीके नायडू हुए भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है द स्ट्रगल इज माई पुस्तक के लेखक? इसके लेखक हैं नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था?
नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन, और ये हुआ था 1961 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? किसने क्या था ये, क्या गया था? हेनरी, किसके द्वारा? हेनरी ड्यूनॉन्ट के द्वारा। ठीक है, हेनरी ड्यूनॉन्ट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना क्या की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? यानी 40 क्वेश्चन आपका ऊपर हो चुका है, और अब आपका 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से है, जो आपके हर एक सेट में रहता है। आपको पता है जो पूरा सप्ताह करंट अफेयर्स पढ़ा है वहीं से आपका ये क्वेश्चन रहता है। तो फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? कौन है? यह है रोजर फेडरर। कौन है? रोजर फेडरर। ठीक है, रोजर फेडरर ये फोर्ब्स के 2020 के सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने श्रमिक मजदूरों के लिए स्वरोजगार योजना शुरू किया है? स्वरोजगार योजना अभी हाल ही में शुरू किया गया है, आपको बताना है किस राज्य ने यह शुरू किया है। यह किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क का आधारशिला कहां रखा गया, या अग्नि मिसाइल पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क, इसकी आधारशिला अभी हाल ही में कहां रखी गई है? कहां रखी गई है? तो INS, कौन सा INS? कलिंग। ठीक है, INS कलिंग में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चैंपियंस प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया? कौन सा प्लेटफॉर्म? चैंपियंस प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैंपियंस प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया? तो MSME क्षेत्र के लिए इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? ODI क्रिकेटर यानी वनडे इंटरनेशनल का क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिताब किसको दिया गया है 2019 का? किसको दिया गया है? यह दिया गया है रोहित शर्मा को। किसको दिया गया है? रोहित शर्मा को। ठीक है, अवार्ड्स जो भी हैं, जितना भी आपने पढ़ा है और आगे जो भी आप पढ़ोगे, ये सारे बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा, और एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन मस्ट है, आपका रहेगा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, आपको बताना है किनको नियुक्त किया गया है। इनको क्या गया है? ये क्या गया है? गायत्री कुमार को। इनको क्या गया है? गायत्री कुमार को ब्रिटेन में नया उच्चायुक्त भारत का नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की उद्घाटन किया है? खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? किसके द्वारा? तो किरेन रिजिजू के द्वारा। ठीक है, किरेन रिजिजू के द्वारा इसकी उद्घाटन की गई है, और ये अभी हमारे खेल मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक डिसइन्फेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित किया गया है? अल्ट्रा स्वच्छ नाम आपको याद रखना है, अल्ट्रा स्वच्छ इस नाम से एक डिसइन्फेक्शन यूनिट की स्थापना की गई है, सॉरी इसका विकास किया गया है, आपको बताना है इसका विकास किसने किया है, या ये यूनिट किसने बनाया है? किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक भयानक चक्रवात निसर्ग का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? अभी आपको पता होना चाहिए निसर्ग जो है इसने महाराष्ट्र एरिया में बहुत क्षति पहुंचाया है, आपको यह बताना है इसका नामकरण किसने किया था? किसने किया था इसका नामकरण? इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बांग्लादेश ने। क्लियर है, और इससे पहले आपका एक और तूफान आया हुआ था, वो उड़ीसा क्षेत्र में आया हुआ था। ठीक है, ये दोनों में अंतर आपको समझना है। ये निसर्ग जो है ये कहाँ उठा था? ये
जो अरब सागर है उसके तरफ से आया हुआ था और महाराष्ट्र को इसने क्षति पहुंचाया। और इससे पहले एक और चक्रवात था जो उड़ीसा में आया था, उसका आप सभी को कमेंट में मुझे नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 के टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी 18-19 के कौन है? कौन है? ये है जसप्रीत बुमराह। कौन है? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, कौन है? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है, आप सभी को कितना मार्क्स आ रहा है ये जरूर अपडेट करना जो नॉर्मल कमेंट सेक्शन है वहां पर। ठीक है, और मुझे इससे ये पता चल पाएगा कि आपने पूरा वीक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और गलत मार्क्स अपडेट मुझे ये उम्मीद है आप लोगों से कि गलत मार्क्स आप लोग अपडेट नहीं करते होंगे। ठीक है, जितना आपको जेन्युइन आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए, अगर गलत मार्क्स अपडेट करते हो यानी खुद को आप धोखा देते हो। इसलिए सब कोई सही मार्क्स अपडेट करो और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाओ कि अगली बार हम लोग और अच्छे से करेंगे, पूरा सप्ताह हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर ये रूटीन आपका बना तो आप एग्जाम में जरूर बेहतर कर पाओ। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीक अगले टेस्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।